अस्सलाम वालेकुम जी, आज इस वक्त हम स्काईलाइट 63 की साइट पे मौजूद हैं और मेरे साथ मोहसिन भाई हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि स्काईलाइट में जो डेवलपमेंट का काम है या क्या अपडेट्स हैं, तो उसके बारे में मोहसिन भाई से पूछते हैं, क्योंकि ये अक्सर साइट्स पे आते हैं, आप लोगों को बता रहे होते हैं सारी चीज़ें। तो आज हम खुद उनसे पूछेंगे कि क्या चीज़ें हैं। मोहसिन भाई, मैं देख रहा हूँ कि आपने माशाल्लाह लेंटर डाल दिया है ग्राउंड फ्लोर का। जी बिल्कुल, जिस तरह हम आपको आते रहे हैं, रिसेंट वीडियोस पे भी दिखाते रहे हैं कि हमने लेंटर का काम शुरू कर दिया, लेंटर की तैयारियां हो रही हैं, शटरिंग का काम हो रहा है, सारी वीडियोस डे बाय डे ये हम वीकली अपडेट्स देते रहते हैं अपने क्लाइंट्स को जिन्होंने बुकिंग करवाई हैं, ओवरसीज़ हैं। तो इसी तरह ग्राउंड फ्लोर का अल्हम्दुलिल्लाह हमने लेंटर डाल दी और माशाल्लाह अब हम नेक्स्ट तैयारियों की तरफ हैं। अब हमने आगे इसको मेज़नाइन और फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेके जाना, आगे आगे आप देखेंगे इंशाल्लाह इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। एक लेंटर पे आप कितना टाइम लगा रहे हैं इस वक्त? अच्छा, मैं बात करूँ जुबैर भाई, मिनिमम वैसे 1 से 1.5 महीना लगता है और उसमें इतना कोई बड़ा काम नहीं है। असल में भी सर्दियाँ, आपको भी पता है, सर्दियों में थोड़ा सा ये होता है कि लेंटर थोड़ा सा टाइम लेता है। गर्मियों में हम काम थोड़ा ज़्यादा तेज़ कर देते हैं, उसकी वजह ये होती है कि थोड़ा सा धूप छूप निकलती है, जल्दी खुश्क हो जाता है, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। गर्मियों में काम की स्पीड थोड़ी ज़्यादा तेज़ होती है, तो बस ये मतलब अगर एक फ्लोर देखा जाए 1 से 1.5 महीना ले रहा है, तो आप तो 1 साल में पूरा प्लाजा रेडी कर देंगे। जी बिल्कुल, ऐसी है हमारा ग्रेड स्ट्रक्चर। अगर बात करें स्काईलाइट 109 अगर आपने देखा हो, तो वो भी 1.25 साल के टाइम पीरियड के अंदर आपने देखा, बिल्कुल फिनिशिंग में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, सेम एज इट इज़। उसी तरह इंशाल्लाह स्काईलाइट 63 भी जो है, अभी जिस तरह आपने देखा था ये खाली प्लॉट था, अब्दुल मजीद साहब आए, इसका इनोग्रेट किया, इफ्तिताह किया, उसके बाद क्या कहते हैं कि हमने जब इसका काम शुरू किया तो अभी ये ऐसे लगता है कि कल की बात है, कुछ ही महीने गुजरे हैं बस। अच्छा, ये बातें सारी अपडेट्स वगैरह आप तक पहुंचती रहती हैं। अभी मेन मुद्दे पे जो मेन चीज़ है वो मुझे बताएं कि ये जो आपका प्लाजा है, कॉर्नर का प्लाजा है, कॉर्नर पर होने का क्या फ़ायदा है आप हमारे क्लाइंट्स के लिए, वो अगर इसमें बुकिंग करवाते हैं तो आप इसकी लोकेशन को, मेन चीज़ तो इसकी लोकेशन है कि बड़ी ज़बरदस्त इसकी लोकेशन है, डेवलपमेंट भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है आपकी, तो क्लाइंट को क्या फ़ायदा है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का? तो मैं आपको इसमें एक फ़ायदा नहीं है, बहुत से फ़ायदे बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम कॉर्नर की बात करते हैं, कॉर्नर का जो हमारा ये प्लॉट है, ट्रिपल एलिवेशन आपको मिल जाती है, आपको 3 साइड से प्रोजेक्ट ओपन मिल जाता है। अगर आप समटाइम एक मेन बुलेवार्ड की बात करते हैं, वो कॉर्नर नहीं है, तो आपको सिर्फ 2 तरफ से एक्सेस मिलती है, फ्रंट रोड साइड से और बैक से, और लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं। कॉर्नर का आपको फ़ायदा ये होता है, आपको 3 तरफ से एक्सेस मिल जाती है, 3 तरफ से ओपन होता है। फिर दूसरा, अगर इसकी बात करें हम स्काईलाइट 63 की, अभी हम जो मौजूद हैं स्काईलाइट का मेन कमर्शियल हब, मेन बुलेवार्ड जिसको 2 लग रहे हैं और ये बी ब्लॉक में है, इसके पास आपको सी ब्लॉक की एक्सेस मिलेगी। आपको पता है फैसल हिल का जो सी ब्लॉक है, वो हमें इन फ्यूचर मोटरवे से भी एक्सेस दे रहा है जी। तो ये सारी इसकी जो है क्वालिटीज़ हैं हमारे प्रोजेक्ट की। जी बड़ी ज़बरदस्त बात की है। देखें जी, इसका मतलब है कि इस प्लाजे को सिर्फ एक तरफ से ट्रैफिक नहीं लग रही है, 3 रोड्स की ट्रैफिक को एक्सेस करेगा। आपको दिखा भी देते हैं कि इस साइड पर फैसल हिल्स का मेन बुलेवार्ड है, जिस जगह पर हम खड़े हैं ये MR6 है, ये भी आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा खासा रोड है, और साथ ही उसके मेन मरकज़ का रोड और साथ पार्किंग रोड है। मतलब आपके मरकज़ की जितनी ट्रैफिक या मार्केट की बी ब्लॉक है या सी ब्लॉक है, जितनी ट्रैफिक एंटर होगी आपके इस सिविक सेंटर में, वो यहाँ से होके गुजरेगी, और उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी और नज़र जो है हमारे इस प्रोजेक्ट स्काईलाइट 63 पे होगी। तो अगर आप थोड़ा सा मुझे शॉर्ट विजिट भी इसका करवा दें और हमें बता दें कि कौन कौन सी इन्वेंटरी अवेलेबल है। जी बिल्कुल, साइड पे वो लग रही है, आपको बताता हूँ। ये भी हम खड़े हैं एक मेन बुलेवार्ड के ऊपर खड़े हुए हैं, ये मेन बुलेवार्ड की आपकी एंट्रेंस है, ये आपका लोअर ग्राउंड फ्लोर हमारा माशाल्लाह कंप्लीट हो गया, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इसके बाद आएगा मेज़नाइन फ्लोर। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये प्रोजेक्ट है सोल्ड आउट है, हमारे पास लिमिटेड सी इन्वेंट्री है, टोटल हमारे पास 8 से 9 दुकानें बची हैं सिर्फ जी। उसमें मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास 81 स्क्वायर फुट है, 88 स्क्वायर फुट है और 96 स्क्वायर फुट है। डायमेंशंस में अगर आपको बताऊं, 10x8 की शॉप है, मतलब फ्रंट उसका 10 फुट होगा और बैक जो उसकी विड्थ है वो उसकी 8 फुट होगी। इसी तरह जो 88 स्क्वायर फुट की है वो 11x8 की है, 11 फुट उसका हम फ्रंट दे रहे हैं और बैक जो है उसकी 8 फुट दे रहे हैं। ठीक है, ये सारी डायमेंशंस है। ठीक है, मतलब ये तो आपकी लिफ्ट है मेरे ख्याल से, है ना? जी बिल्कुल, ये लिफ्ट और सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये 88 स्क्वायर फीट की। इधर जो फ्रंट का व्यू तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और बैक साइड पर आपका मरकज़ का है, बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है आपका। अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि माद इंटरनेशनल की क्या क्रेडिबिलिटी है, कि किस स्पीड से उन्होंने काम जारी रखा हुआ है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे महफूज है, और जहाँ तक प्रॉफिट की बात करें वो आपकी लोकेशन मैटर करती है, आपकी इन्वेस्टमेंट मैटर करती है कि आप किस प्रोजेक्ट में कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इसकी लोकेशन देख रहे हैं, किसी भी आप कमर्शियल में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे मेन चीज़ होती है कि वहाँ पर कौन कौन सी ऑडियंस टारगेट हो रही है। तो यहाँ पर तो आपको मैंने बताया 3 मेन
रोड हैं, तीन तरफ से इसको ट्रैफिक लग रही है, तो यहाँ पे जो इन्वेस्ट करेंगे एक तो उनकी कल को एक अच्छी रेंटल इनकम होगी, एक अच्छा रिटर्न ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा उनको। तो मेरे ख्याल से जो लिमिटेड इन्वेंट्री हमारे पास रह चुकी है और जो हमारी इसके ऊपर ऑफर्स चल रही हैं उनको बिल्कुल देरी ना करें, उन ऑफर्स को अवेल करें। जो लिमिटेड इन्वेंट्री रह चुकी है मेरे ख्याल से बहुत सस्ती शॉप्स है मोहसिन भाई इस्लामाबाद में, मेरे ख्याल से इन रेट्स के ऊपर कि 2.5-3 लाख रुपया डाउन पेमेंट देना है और 3 साल की आसान एक साथ में इनको पेमेंट अदा करनी है और फिर अपनी दुकान के मालिक को भी इस्लामाबाद के जो मेन सिविक सेंटर बन रहा है उसके अंदर। तो बिल्कुल देरी मत करें, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे रابطہ करें, इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएं और अगर आप मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के हवाले से आगाह रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में।